प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे उस समय फेल होते नजर आए जब हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटलांधर में पारितोषिक वितरण समारोह के भाषण के दौरान मंच से ही ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म पूछी तो बच्चों को तो इसका पता नहीं था, बल्कि प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट तक को भी फुल फॉर्म नहीं आई। सांसद अनुराग ठाकुर ने बच्चों और बाकी स्टाफ को ये भी नसीहत दी है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को सही ढंग से शिक्षा प्रदान करें, ताकि बाद में सरकारी नहीं तो स्वरोजगार अपना कर जीवन यापन कर सकें। मीठी मीठी बात करके चला जाऊंगा तो मैं इन बच्चों के साथ अन्याय कर रहा हूं जो हमारी ओर देख रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते। अगर आपके यहाँ पर कमियां हैं तो उसको उजागर करके इकट्ठे मिलकर परिवार के नाते उन कमियों को दूर करके इन बच्चों को अच्छा भविष्य देना मेरी उतनी जिम्मेदारी है जितनी इनके माता पिता की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझकर मैं बात यहां पर कह रहा हूं। प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट को ICT की फुल फॉर्म पता ना हो, मैं तो उस कमेटी का चेयरमैन हूं पार्लियामेंट का, मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे। मैं यहां किसी का टेस्ट लेने नहीं आया, मैं यहां किसी को आईना दिखाने नहीं आया, किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूं। पर मेरे दिल में एक पीड़ा है, मैं जेन्युइनली पीड़ा है कि गरीब मां बाप का क्या कसूर है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं और सरकारी स्कूल के अध्यापकों को यही पता ना हो कि ICT की फुल फॉर्म क्या है। ICT लैब यहां पर है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है ICT का मतलब क्या होता है? कोई भी विद्यार्थी बताए स्कूल का। गौरतलब है कि प्रदेश में साक्षरता में अव्वल जिला हमीरपुर में गुणात्मक शिक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सांसद के समक्ष ICT लैब की फुल फॉर्म न बताने पर बच्चों के साथ अध्यापक और प्रिंसिपल तक की शिक्षा पद्धति पर सवालिया निशान लग रहे हैं।